जब मीडिया और ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है तो तीन बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि मैं कोई स्लाइड बना के नहीं लाया हूं और न उसमें भरोसा रखता हूं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दो बातें सिखाई जाती थी हमें कि एक मीडिया का पॉजिटिव रोल क्या है, एक मीडिया का निगेटिव रोल क्या है। मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जाता था कि जरा संतुलन साधे रखना। तो ये भी बात करनी बड़ी ज़रूरी होती है कि हेल्दी क्या है, बैलेंस्ड क्या है। एक छोटी सी घटना से शुरुआत करना चाहूँगा कि मीडिया किस तरीके से, किस हद तक निगेटिव रोल प्ले कर सकता है और किस हद तक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। पुलित्जर अवार्ड का नाम आप सबने सुना होगा, सब जानते हैं। जोसेफ पुलित्जर बहुत ही गरीब परिवार से थे और हंगरी से माइग्रेट करके वो 19 सेंचुरी के इनिशियल डेज में न्यूयॉर्क पहुंचे थे। बहुत संघर्ष परिश्रम करके उन्होंने एक छोटा सा अखबार खरीदा था जो बाद में न्यूयॉर्क वर्ल्ड के नाम से मशहूर हुआ और अमेरिका का सबसे शक्तिशाली प्रभावी दैनिक अखबार साबित हुआ। उस वक्त एक और अमेरिका में न्यूज़पेपर था जिसको विलियम रेंडोल्फ हेस्ट नाम के एक अमीर आदमी चलाते थे। जब न्यूयॉर्क वर्ल्ड तेजी से बढ़ रहा था तो विलियम रेंडोल्फ ने अमेरिका के एक दूसरे शहर से न्यूयॉर्क में माइग्रेट करके पुलित्जर के अखबार के सारे लोगों को, जितने काबिल लोग थे सबको तोड़ा और अपने अखबार की तरफ ले गए। और विलियम रेंडोल्फ ने एक कहानी गढ़ी कि किस तरीके से क्यूबा की एक लड़की को स्पेन ने अपने यहाँ बंदी बना लिया है। और वो कहानी इस तरह से चल पड़ी कि क्यूबा और स्पेन में वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। बाद में पुलित्जर के अखबार ने उस पूरे झूठ का पर्दाफाश किया और बताया कि ये पूरी कहानी ही गलत थी, झूठी थी। और जिस तरीके से उस वक्त दोनों अखबारों में होड़ थी, अगर निगेटिविटी का एग्जाम्पल दिया जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि दो देशों के बीच के संबंध जो मधुर थे वो इतने खराब हो गए और युद्ध तक की नौबत आ गई। ये मीडिया का एक निगेटिव इम्पैक्ट, इसको हम लोग मान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक दूसरी तरफ अगर देखा जाए मीडिया के एक बैलेंस्ड बिहेवियर और बैलेंस्ड चीज़ों की तरफ, तो मैं गांधी और नेहरू के संवाद के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि जब नवजीवन और यंग इंडिया में महात्मा गांधी कॉलम लिखते थे तब उन्होंने नेहरू जी से कहा कि नेहरू तुम भी कॉलम लिखा करो और देश के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि गांधी और नेहरू के बीच भी कितने मतभेद हैं, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ उसके बाद कांग्रेस का कोई भी सीनियर आदमी लिखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो लोगों को ये नहीं पता चलता कि हमारे बीच जो है केवल जी हुजूरी नहीं है, यस मैनशिप नहीं है, बल्कि हमारे अपने अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स भी हैं और हम एक दूसरे के विचारों को लाइक भी और डिसलाइक दोनों करते हैं। हालांकि नेहरू जी हिम्मत नहीं जुटा पाए गांधी जी के साथ कॉलम लिखने की, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सरदार पटेल ने जब गांधी जी नवजीवन में लिख रहे थे और उन्होंने कई ऐसे आर्टिकल लिखे कि सत्य के प्रयोग में मैंने आज अपने ब्रह्मचर्य को परखने की कोशिश की, उस पर उन्होंने कई बातें लिखी, तब सरदार पटेल ने उनको पत्र लिखा कि, और वो पत्र नवजीवन में प्रकाशित भी हुआ कि बापू जो आप सत्य के प्रयोग कर रहे हैं उसको हम सभी जानते हैं लेकिन समाज से उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इतना ज़्यादा भी स्पष्ट और साफ बने रहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके निजी प्रयोग हैं, इनको आप निजी तरीके से करिए और इनको समाज में लंबे तरीके से बहस चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके व्यक्तिगत मामले हैं, इनको व्यक्तिगत तरीके से करिए। और जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब अखबार निकल रहे थे, तब अखबार जितने थे सारे अखबार चंदे से चलते थे और चंदे से चलते थे तो उनका जो एक
उनकी जो एक जवाबदेही थी वो समाज के प्रति थी, सोसाइटी के प्रति थी, क्योंकि जनता का अखबार जनता के द्वारा जनता के पैसे से चलता था, वो किसी बिजनेस मोटिवेशन से या उसके दबाव में नहीं चलता था। लेकिन ठीक उलट मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज की स्थिति हमारी क्या है। याद करिए, जब मेडिकल साइंस डेवलप हुआ होगा, जब समाज में डॉक्टर आए होंगे, या पहले ऋषि महर्षि वैद्य के रूप में इलाज करते थे, तो उनका एक ही पर्पज होता था कि बीमार को ठीक कर देना। लेकिन जब इस प्रोफेशन में बिजनेस घुसा, तब आज के समय में आप देखिए कि जिस तरीके से हम रोज अपने अखबारों में खबरें छापते हैं और चैनलों पर लड़ते हैं कि कैसे किसी की डेड बॉडी को वेंटिलेटर लगा के 5 दिन एयर पंप करके उसको जिंदा रखा गया, और कैसे आज के डेट में हॉस्पिटल चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार आदमी हमारे यहाँ ही भर्ती हो, इसके लिए मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव लगा रखे हैं, तमाम तरीके के तंत्र काम कर रहे हैं। अब यहाँ शुरू होती है होड़, जब उसमें बिजनेस आता है, जहाँ सेवा का भाव चला जाता है और बिजनेस आके अपनी जगह बना लेता है। ठीक वैसे ही, चूँकि हम मीडिया के लोग हैं, हमें सबको क्रिटिसाइज़ करने का लाइसेंस मिला हुआ है, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन कई बार सवाल ये उठता है कि हमारा क्रिटिसिज्म कौन करेगा, हमारा कॉन्शियस कीपर कौन होगा। हमने एक इतनी बड़ी स्क्रीन बना दी है, अब इस स्क्रीन पे समाज में जो घट रहा है उसको हम लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन बवाल उस दिन खड़ा होता है जब हम भी बिजनेस के दबाव में वो कुछ करने लग जाते हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, जब हम कहानियां गढ़ने और बनाने लग जाते हैं, जब कुछ चैनल ऐसे लोगों को अपने साथ कर लेते हैं जो 2 मिनट में 10 टायर इकट्ठा करके और 4 आदमी को इकट्ठा करके आपस में दंगा करवाने से भी नहीं चूकते, इस तरह की तमाम बातें, तमाम चीज़ें हम सबको पता है, हम लोग बता सकते हैं कि हम ही लोगों में से किस किस चैनल पर कहाँ कहाँ इस तरह की खबरें चली। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन तमाम निगेटिविटी के बीच मीडिया एक सशक्त आवाज़ भी है, एक सशक्त माध्यम भी है, और ख़ास तौर से मध्यम वर्ग की उम्मीदों को मीडिया ने जितना परवान चढ़ाया है, मीडिया ने जितना हौसला दिया है, शायद मैं कह सकता हूँ कि लगभग 500 सालों में कोई ऐसा मीडियम नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज़ नहीं है जिसने आदमी की उम्मीदों को या आदमी के साहस को या आदमी के भरोसे को इतनी मजबूती दी हो। एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा, हम सब न्यूज़ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं या मीडिया से जुड़े लोग बैठे हुए हैं, रानू मंडल का केस मीडिया और सोशल मीडिया ने एक भीख मांग के अपनी जीविका चलाने वाली महिला को कैसे रातों रात स्टार बनाया, और कैसे तमाम लोगों के मन में ये भरोसा पैदा किया कि कोई एक सामान्य सा आदमी जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, उसके बावजूद भी कैसे कोई वंडर कर सकता है। ये ताकत मीडिया की है और सोशल मीडिया की है। थोड़ी देर पहले यहाँ पंकज पचौरी जी थे, हम लोग हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जो फिगर उन्होंने दिया कि आज 40 करोड़ लोग इंडिया में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने एक चिंता भी जताई कि किस तरीके से वे ऐप्स, वे मीडियम्स जो आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, न तो वो कोई पत्रकार हायर करते हैं, न तो कोई मीडिया कर्मी को वो नौकरी देते हैं, फिर भी गूगल की दखल न्यूज़ में सबसे ज़्यादा है, और बिना मीडिया का काम करते हुए भी व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन चुका है, और कैसे अब व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने को चेंज करते हुए एक बैंक के रूप में स्वयं को तब्दील करना चाहता है। तो सोशल मीडिया के टैग से बैंक का टैग, एक 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 शुरुआत से एक अगेन दूसरा जंप जो व्हाट्सएप को अब बैंक के रूप में बनाना चाहता है।
दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि किस तरीके से डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की जो पूरी घटना हुई हैदराबाद में, कानून की किताब में किसी भी लेवल पे उस इनकाउंटर को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कहा जाता है कि कुछ चीज़ें कानून की किताब में गलत होती हैं लेकिन जनता की अदालत में सही होती हैं। कैसे सोशल मीडिया ने इतनी ताकत और इतना भरोसा जगाया पुलिस वालों के बीच, सोसाइटी के बीच, कि एक ऐसी घटना जो कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत थी, उसकी बारीकी से जांच की जाए तो किसी भी लेवल पर उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, उस इनकाउंटर को, लेकिन जनता की अदालत ने उसको सही ठहराया। और हम सब यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं ये मानते और जानते हैं, समझते हैं कि जो हैदराबाद में बर्बरतापूर्वक काम डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, नृशंस हत्या की गई, डेड बॉडी को जला दी गई, ऐसे नरपिशाचों के साथ अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया तो सही ही किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मीडिया के जरिए सोसाइटी में हो रहा है वो बहुत हद तक अच्छा है, और अगर कहीं पॉजिटिविटी है तो नेचर का सारा सिस्टम ही डायलेक्टिकल है, द्वंद्वात्मक है। अगर कहीं अच्छा है तो उसके साथ बुरा जुड़ा हुआ है, और अगर कहीं बुरा जुड़ा हुआ है तो उसके साथ अच्छा भी जुड़ा हुआ है। इन तमाम बहस के बीच में मेरा एज ए जर्नलिस्ट और एज ए एडिटर मेरा एडिटोरियल कॉल यही है कि अभी तक जो मीडिया ने रोल पैदा किया है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है, और आम आदमी के लिए मीडिया ने जो भरोसा जगाने का काम किया है वो शायद मौजूदा हालात में कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा साधन नहीं है जो आम आदमी की ताकत बन सके, एक कमज़ोर आदमी की ताकत बन सके। कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनलों ने, डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने आदमी के दैनिक व्यवहार, उसके दैनिक जीवन और तमाम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। बस एक छोटे एग्जाम्पल से एक मिनट में अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। मेरे घर का एक किस्सा है। 5 साल पहले मेरी भतीजी की कुछ फ्रेंड्स आ रही थी, मेरे जो सगे बड़े भाई साहब जो प्रोफेसर हैं वो लखनऊ आए हुए थे, रायबरेली में वो प्रिंसिपल हैं एक डिग्री कॉलेज में। तो जैसे हम सब, हमारा तो बैकग्राउंड गांव का है तो भाई हम लोग घर में देशज वेशभूषा में रहते हैं, वो भी अपने नॉर्मल तरीके से अपना धोती और अधी का अपना पहन के बैठे हुए थे। तो मेरी भतीजी आई और उसने कहा कि पापा आप जींस टी शर्ट पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ऐसा क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों कर लूँ, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं और मैं जिनके घरों में जाती हूँ उनके पापा लोग तो जींस और टी शर्ट पहन के और सूट और ऐसे भी रहते हैं, अब मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी आप ऐसे अगर बैठेंगे तो। उन्होंने मेरे से इस बात को डिस्कशन किया, हालांकि 5 साल पहले की बात है ये। तो मैंने अपने भाई साहब से कहा कि देखिए, जो डेली सोप्स और सीरियल्स और जो रोज़ हम टेलीविज़न में देखते हैं, हमारे घर के बच्चे जो देखते हैं, ये उनका असर है कि अगर एक छोटी बच्ची के सामने लखनऊ के दशहरी 4 ताजे आम रख दीजिए तो बच्ची को माजा का बोतल ज़्यादा प्रिय लगेगा, क्योंकि वो देखती है कि परी आती है उड़ते हुए उस बोतल में समा जाती है। तो उस परी ने उस बच्ची के दिल में जो जगह बना रखी है, और हमारे घर में भी जो बच्ची है जो डेली सोप्स के सीरियल देख देख के जो उसने एक अपना माइंड सेट तैयार कर रखा है कि अगर घर में पापा को होना चाहिए तो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। और हमारे घर के बच्चे जो, हम लोग तो गांव में पले बड़े, अब हमारे घर के बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं, शहरों में पैदा हुए, शहरी जीवन देख रहे हैं, तो वो जो देख रहे हैं उनका सत्य वही है, वो दूसरे सत्य को नहीं जानते। तो ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्म है जो हमारे दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में, हमारे उठने में, बैठने में, चलने में, पहनने में, ओढ़ने में मीडिया सब तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है और परिवर्तन कर रहा है, और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो परिवर्तन आया है वो इसी तरह का है। पिछले 3 लाख सालों में जितना परिवर्तन हुआ उतना परिवर्तन अगले 3000 सालों में हुआ, और जितना 3000 सालों में परिवर्तन हुआ अगले 300 सालों में हुआ, और जितना परिवर्तन पिछले 300 सालों में हुआ है उतना परिवर्तन आप खूब आसानी से 3 साल में देख सकते हैं। मैं 30 साल नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल बोल रहा हूँ। और जितना परिवर्तन आप पिछले 3 साल में देखेंगे, आज वुहान में चाइना ने 10 दिनों के भीतर 1600 बेड का हॉस्पिटल बना के खड़ा कर दिया, हमारे यहाँ मुंबई सी लिंक बनने में पूरे 9 साल लगे, 5.6 किलोमीटर 9 ईयर्स, वहीं चाइना ने 37 किलोमीटर की
एक ब्रिज बनाई और उसको 3 साल में बना के जनता को कमीशन कर दिया, दे दिया चलने के लिए। तो कहीं ना कहीं विकास तेजी से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो पेस पे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो ये परिवर्तन हमारी सोसाइटी में बहुत सामने है, दिख रहे हैं, और हम सब लोग इससे गुजर रहे हैं। यही हमारे जीवन की सच्चाई है, और मीडिया ने एक बहुत सकारात्मक रोल पैदा किया है, और उस सकारात्मक रोल का नतीजा है कि आज हम कुछ भी कह पाने में, बता पाने में और दिखा पाने में सक्षम हैं, जो शायद पहले उतने नहीं थे। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर एक्सचेंज फॉर मीडिया जिसने मुझे ये मौका दिया, और आज एक्सचेंज फॉर मीडिया इनबा अवार्ड्स भी कर रहा है, उसके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अपने मीडिया के सभी साथियों को, लंच का टाइम हो चुका है फिर भी आप लोग बैठे हो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।